ये सेक्शन जो है किलोमीटर 140 से 217 तक है, रामपुर से चौका तक का ये सेक्शन है जिसके लिए टोल प्लाजा स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें हम लोग 77 किलोमीटर में अभी 76 किलोमीटर ही टोल लेंगे, 1.3 किलोमीटर का हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं टोल, क्योंकि अभी वो जो राइडी मोड की बात किए आप वो कम्प्लीट नहीं हुआ है और इस वजह से हम लोग कम ले रहे हैं अभी टोल, एक किलोमीटर छोड़ रहे हैं। और जो भुइया डी की बात है वो हम 5 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन तो वो भुइया डी वाला भी स्टार्ट हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारा ये राइडी वाला है तमार वाला, वो भी हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लीडर्स इन लोगों की मदद से जल्दी ही कम्प्लीट करेंगे, क्योंकि सिर्फ अप्रोच रोड बाकी है, स्ट्रक्चर कम्प्लीट है उसमें। सर ग्रामीणों का कहना है कि उन लोगों को मुआवजा नहीं दे रही NHAI के द्वारा, और सिर्फ मुआवजा की मांग करने काम नहीं रोक रहे हैं वो लोग, नहीं मुआवजा आखिर क्यों नहीं मिल रहा है उन लोगों को? नहीं, ग्रामीणों का जो कंटेंशन है या जो उनका प्ली है वो मतलब मुआवजा NHAI की तरफ से नहीं मिल रही है ऐसा नहीं है। मैं यहाँ ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि NHAI ने पूरा पैसा DLO रांची को जमा किया हुआ है, DLO रांची के यहाँ से भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसी के बंसावली में त्रुटि है, किसी के मान लीजिए पेपर्स में त्रुटि है, अगर नहीं भी थे, हम लोगों ने काफी प्रयास किया CO तमार और DLO रांची के थ्रू के साथ मिलकर कि लोकल जो लोग हैं विलेजर्स हैं उनको पैसा मिल जाए, बट अभी हाल में एक केस हो गया है, यशोदा कुमारी जी हैं उन्होंने केस कर दिया है, तो उन्होंने भी क्लेम किया कि हमें मिले, तो अभी ये मामला कोर्ट में चला गया है, तो अब इस वजह से अभी पैसा हम क्या मतलब DLO रांची जो है वो किसी को नहीं दे पाएंगे, ये पैसा अब लैंड एक्विजिशन कोर्ट में जमा हो जाएगा, फिर कोर्ट के निर्णय के बाद कोर्ट जिसे मतलब जिसके पक्ष में फैसला देगी उनको पैसा मिल जाएगा। उसके पहले हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि चूंकि NHAI ने पैसा जमा कर दिया है तो इसलिए हम लोगों को काम करने दिया जाए। के माध्यम से अपने प्रेस के माध्यम से इसको अच्छे तरीके से लोगों को बताएं ताकि जानकारी अगर सही पहुंचेगी लोगों के पास में तो मुझे लगता है कि दिक्कतें नहीं होंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जो सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से जो कंसर्न था सभी लोगों का कि भाई जो लोकल हैं उनके लिए मतलब क्या सुविधाएं हैं फिर क्या है, तो हमें जो जानकारी मिली है उस अनुसार में तो मुझे लगता है कि एक पास सभी को निर्गत होना है, तो मेरा आग्रह रहेगा कि टोल पे टोल प्लाजा पे जाकर के मुझे जो पास बनाने का है फिर पास की जो प्रक्रिया है उसको जान के समझ करके अपना 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 पास बना ले। पास एक महीना के लिए वैलिड? हाँ, एक महीने, वो मुझे लगता है इसकी अच्छी तरीके से जानकारी टोल प्लाजा के कर्मी ही दे पाएंगे, चूँकि हम लोगों ने तो उनकी बातों को सुना है, हमने कहा है कि भाई आप इसकी जानकारी के लिए लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए आप जगह जगह इसका इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में फ्लैग्स सभी जगह लगवाएं ताकि लोगों को पता भी चल सके, और जो एक रेडियस जो है जैसे बताया गया टोल के पदाधिकारी के द्वारा कि 20 किलोमीटर के रेडियस में वो पास का सिस्टम बनेगा, तो उससे जो टोल से जुड़ी हुई चीज़ें जो लोकल को जो सीधे तरीके से बेनिफिशरी के पार्ट होंगे।